to my YouTube चैनल Truly Twisted. So, कैसे हैं आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे एंड मजे में होंगे सो so, मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बंठन के मतलब इंडियन अटायर में साथ में ये टीका भी है सो so, क्या करूँ मेरी एग्जाम्स आ रही है फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड मेरा एक्सटर्नल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है एंड मैं फुल ऑन बिजी हूँ उसके प्रिपेरेशन्स के लिए क्योंकि आई हैव टू डू माई बेस्ट सो पूजा वूजा चल रहा है थोड़ा भगवान जी को भी पूछ लें <laughs> बस पास करवा दें पास नहीं फर्स्ट डिविजन से अच्छे से पास करवा दें सो uh, so, चलिए वीडियो पे जाते हैं तो वीडियो है क्या है वीडियो टाइटल और थंबनेल देखिए आप सबको समझ में आ ही गया होगा न्यूज तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा सो so ये है किसान बिल के ऊपर जो कि वापस ले लिए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो क्या है ये क्यों लिया गया कैसे हुआ पता नहीं पीएम मोदी टेक्स बैक थ्री फार्म लॉज फार्म बिल फार्मर्स बाय प्रशांत धवन तो चलिए देर न करते हुए ये वीडियो को एंजॉय करते हैं सो so so, अब तक आपको पता लग गया होगा सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप मेजर अनाउंसमेंट करी है देश के ने देश के प्राइम मिनिस्टर ने को संबोधित करते हुए इन्होंने पर यह कहा है कि जो तीनों कृषि कानून थे जिसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा था ये तीनों कानून सरकार वापस ले रही है इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे मगर ये मैं कहूंगा मेजर डिसीजन है यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल आर्टिकल छोड़िए जो पीएम की यहां पर स्टेटमेंट है मैं चाहता हूं ये आप सुने आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे ट्रूली अ मैसेव डिसीजन और सरकार को अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में जो ये रिपील करने का प्रोसेस है ये चलाना पड़ेगा ये ऐसा नहीं है कि अचानक से सरकार बस एक ऑर्डर पास करेगी और जो ये सारे लॉज हैं रिपील हो जाएंगे याद रखिएगा जो ये बिल है इनको लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया था आपको याद होगा लोकसभा ने इन तीनों कृषि कानूनों को पास किया था सितंबर 2020 में राज्यसभा ने पास किया था 20 सितंबर 2020 में और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था तब जाकर जो ये तीन फार्म लॉज हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कॉमोरिटीज एक्ट दो ये तीनों पास हुए थे तो अब इनको रिपील करने का सिस्टम भी ऐसा ही होगा पार्लियामेंट में इन पर डिस्कशन किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा में यहां पर वोटिंग होगी और उसके बाद जो ये कानून है ये रिपील किए जाएंगे और क्या हमारे संविधान में कोई आर्टिकल है जिसमें प्रोविजन लिखी है कि इसके जरिए आप एक लॉ को रिवील कर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट के बनाए हुए जो लॉज हैं उनको रिपील करने की जो पावर है ये मिलती है आर्टिकल टू से और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर सरकार ने भी यहाँ पर लिखा है एनी एक्ट सो पास बाय पार्लियामेंट मे बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अडॉप्टेड, इन लाइक मैनर बट शेल नॉट बी एज रिस्पेक्ट एनी स्टेट टू विच इट अप्लाइज तो जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट में यहाँ पे हम देखेंगे जो तीनों लॉज हैं इनको सरकार वापस ले लेगी और देखिए इन लॉस को रिपील करने का जो प्रेशर था सरकार आ, पे ये बहुत जरा था कई किसान कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में पंजाब में और जगह काफी बार जो ये प्रोटेस्ट है वॉलेंट भी हो गया और आपको ये बताना चाहिए कि कई स्टेट्स है वहां पर काउंटर लेजिस्लेशन भी पास करने की कोशिश करी गई ताकि इन लॉज को इन स्टेट में अप्लाई ना किया जा सके ये करने की कोशिश करी थी पंजाब ने राजस्थान ने और छत्तीसगढ़ ने मगर तीनों स्टेट्स में गवर्नर ने अप्रूवल दिया नहीं तो काउंटर लेजिस्लेशन ये पास नहीं हो पाया उसके अलावा भारत में कई स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल केरला इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया कि जल्द से जल्द जो ये फार्म लॉज है इनको रिपील करो तो पी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि मैं पूरे देश से अपोलोजाइज करना चाहता हूं यहां पर आई वांट टू अपोलोजाइज टू दी मैन टूडे ऑन द प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु नानक देव जी और ये यहां पर देखिए ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये बात कंट्रीमैन तक देश के लोगों तक ये पहुंचा नहीं पाए कि ये तीनों फार्म लॉज देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है बेनिफिशियल क्यों होंगे ये पीएम ऑफ इंडिया ने बात मानी है कि सरकार अपनी बात लोगों के सामने रख नहीं पाई और ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट जरा था इन बिल्स uh, के अगेंस्ट कई लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर सरकार रिपील कर रही है तो नहीं ये ये बात काफ़ी हद तक मैं कहूँगा चिंताजनक है कि सरकार अपनी बात प्रॉपरली नहीं पाई लोगों के सामने मगर हमने ये भी देखा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट थ्री फार्म लॉस कनाडा से बाहर की कंट्री से कई ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रभाव डाला यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा क्या टूल किट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे तो अगेन जैसे अजीत डोवाल सर ने कहा था कुछ टाइम पहले कि फोर्थ जनरेशन वॉर यह बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है और मैं यही कहूंगा कि लगातार हम इस वॉर में हारी जा रहे हैं ना पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक और बात ऐड करी है कि सरकार अब कोशिश करेगी कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट का इसको हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और अभी रिसेंटली ये भी देखा गया कि सरकार ने जो एम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये इनक्रीज भी किया है सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, के इशू को लेकर हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो जो भी निर्णय लिया जाए वहाँ पर सरकार इन्वॉल्व हो फार्मर्स इन्वॉल्व हो स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी ऑन द इशू ऑफ एमएसपी तो मेजर चेंजेस यहां पर किए गए हैं सरकार द्वारा मगर जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस वो यहां पर ये क्लेम कर रही है कि ये जो डिसीजन है ये लिए गए हैं आने वाले स्टेट इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा कि 2022 में दो बहुत ही मेजर स्टेट के इलेक्शन हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश और हाँ यहां पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अचानक से अब जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्या वो अचानक से खत्म हो जाएंगे तो इसका आंसर है नहीं अभी के लिए प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर यह कहा है कि जब तक सरकार पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती पार्लियामेंट में तीनों लॉस को रिपील करने का प्रोटेस्ट खत्म नहीं होंगे तो ये अभी भी मैं कहूंगा कि प्रोटेस्ट अभी खत्म होने नहीं वाले और अब एक लार्जर क्वेश्चन यहां पर यह आ गया है क्योंकि सिंस गवर्नमेंट ने बहुत बार ये कहा था कि तीनों लॉस को रिपील नहीं किया जाएगा इन द पास सरकार ने काफी बार ये कहा था तो अब सरकार ने यहाँ पर ऑल टुगेदर पॉलिसी चेंज कर दी है तो कई जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया में वो यहाँ पर अब क्वेश्चन उठा रहे हैं तो अब क्या इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 370 को लेकर विरोध होता है वहां पर भी सरकार यू टर्न लेगी सरकार वहां पर भी हो सकता है कि आर्टिकल 370 को जो एप्रोगेट किया गया है इसको भी रिपील करे और खैर आर्टिकल थ्री तो फिर भी मैं कहूंगा कॉन्ट्रोवर्शियल है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सरकार इसको भी रिपील कर देगी कई जर्नलिस्ट आज के समय ये क्वेश्चन उठा रहे हैं तो अगेन आई uh, थिंक एक बहुत ही जरा सरप्राइजिंग डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और uh, इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखिए ये तो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इससे किसानों को फायदा हुआ है क्या इससे किसानों को लॉस होगा बट अभी के लिए यह बात पक्का है कि एमएसपी सिस्टम कहीं जानने वाला जो मंडी सिस्टम है वो कहीं जानने वाला जो हमारा पुराना सिस्टम था देश में जहाँ पे आरतीयो का रोल था जहाँ पे एमएसपी का रोल था वो अपनी जगह बना रहेगा सो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन के क्या आप मानते हैं पर कि सरकार ने जो यहाँ पे निर्णय लिया है ये ठीक है या फिर आपका ओपिनियन कुछ और है शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन बहुत जरा क्रूअल और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी का क्वालिटी कोर्स गिरा जाओ कॉमेंट सेक्शन में पेंट कॉमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अन का यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे 24 महीने 36 महीने का कोर्स मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आपको आवश्यकता है नहीं सिंपली यहाँ पर कोड डालो पी एंड द प्राइसेस विल फॉल सो यूज द कोड पी एंड सेव योर हार्ड एंड मनी सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव so थी जो प्रशांत धंसर ने कहा लेकिन रिफॉर्म आने इंडिया में पता नहीं कितना ही मुश्किल होने वाला है वैसे रिफॉर्म्स हमारे ग्रोथ के लिए ही होता है रिफॉर्म्स आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ़ आर कंट्री एंड हर सेक्टर में रिफॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है चेंजेस तो टाइम का नीड है लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है हमारे इंडिया में एंड फाइनली ये किसान बिल वापस ले लिया गया है तो अब पता नहीं और क्या क्या होने वाला है लेकिन जहाँ तक ये बात जैसे प्रशांत सर ने कहा कि अभी वोटिंग आने वाली है वोट इलेक्शंस आने वाली है न्यू न्यू दिल्ली शायद नहीं पंजाब एंड यहाँ पंजाब में और उत्तर उत्तर प्रदेश यस उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं तो शायद से लोगों को अपने तरफ करने के लिए ही ये किया गया है क्योंकि सब अगेंस्ट में थे ये किसान बिल के तो चलिए आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा कुछ नहीं कर सकते वापस ले लिया गया है प्रोटेस्ट वगैरह अब खत्म होने वाला नहीं है जब तक ही पूरे अच्छे तरीके से पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है एंड फाइनली ये रिफॉर्म वापस नहीं ले लिया जाता है ये किसान बिल तब तक तो आंदोलन चलता ही रहेगा सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कमेंट एंड शेयर करना ना भूले एंड इंस्टाग्राम आइडी पे जरूर से मुझे फॉलो कर ले मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाई